टूरिस्ट के गाड़ियों के धुएं से ही ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। कल को उद्योग के धुओं से यहाँ के पानी का क्या होगा, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे, जो कि ऐसे अंधाधुंध विनाश विकास से लद्दाख को बचाए। आपकी आवाज बहुत जरूरी है, सरकार तक पहुँचे, आपकी आवाज प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे। लद्दाख को सोनम वांगचुक और वहाँ रहने वाले सारे लोगों को आज आपकी, मेरी और भारत की बहुत जरूरत है। A man with many missions, Sonam Wangchuk. जुले नमस्कार आदाब, आज मेरे अनशन का आठवां दिन शुरू हो रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान श्री राम की रामायण में जैसा कहा गया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। नमस्ते, आप सबका स्वागत है पीपो में। आज मैं बात करूंगा फुनसुक वांगडू की। नहीं, मैं थ्री इडियट्स की मूवी का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बात कर रहा हूँ रियल लाइफ फुनसुक वांगडू की, जिनसे इंस्पायर्ड थी थ्री इडियट्स की मूवी और कैरेक्टर रेंचो का। सोनम वांगचुक जो लद्दाख में रहते हैं, एक एजुकेशनल रिफॉर्मर है, एक साइंटिस्ट है, एक इनोवेटर है, जिन्होंने इंडिया के लिए कई कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, और आज वो 10 दिन से एक फास्ट पे है, आमरण अनशन पे है, मतलब फास्ट टिल ही डाइज। पहले फेज में वो 21 दिन के फास्ट में है, और ये वो तब कर रहे हैं जब तापमान बहुत ज्यादा ठंडा है, अबाउट -10 to 15 degrees। उनके साथ कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो सोनम वांगचुक इस फास्ट को क्यों रख रहे हैं, क्या जरूरत है, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक को कई अवार्ड्स मिले हैं, ग्लोबल अवार्ड्स, इंडियन अवार्ड्स, जहां उन्होंने एजुकेशन को रिफॉर्म किया, वहीं क्लाइमेट एक्टिविज्म भी किया। अपने इनोवेशन से उन्होंने ये बताया है कि कैसे सिंपल लिविंग और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस से हम नेचर के साथ जुड़े रह सकते हैं और साथ साथ इनोवेट भी कर सकते हैं। सेकमोल की उन्होंने स्थापना करी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एलियन एजुकेशन सिस्टम इंडिया के एजुकेशन कल्चर को बर्बाद कर दे, वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना चाहते थे। I was born in a tiny village in Ladakh. I've been working on solar heated buildings for 33 years. While Ladakh does not have trees or oil, what it does have is sunshine and in abundance. I started using the sun that shines above our head. मजे की बात ये, सेकमोल का पूरा कैंपस सोलर एनर्जी पे चलता, जहाँ की कुकिंग, लाइटिंग और हीटिंग के लिए फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। लद्दाख इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन द प्लेनेट। वी डोंट हैव एनी फ्यूल्स टू हीट आवर हाउसेस। इसके चलते 94 में ऑपरेशन न्यू होप में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दी। उनकी आइस तुपा टेक्निक वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है, जो कि वाटर स्केर्सिटी के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक है। वांगचुक हमेशा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे हैं। क्या आपको पता है, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डिजाइनिंग लो कॉस्ट मड सॉल्यूशंस लद्दाख रीजन की सियाचिन और गैलवन वैली में, जो हमारे मिलिट्री स्टाफ है ना, उनके लिए लो कॉस्ट इको फ्रेंडली उन्होंने टेंट सॉल्यूशंस बनाए, जहां वो ठंड में भी अच्छे ढंग से गुजारा कर पाए। ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए उनको कई अवार्ड्स मिले हैं, फ्रेड पैकर्ड, मैक्सेसे, ग्रेगोरियस और ना जाने क्या क्या, और इसलिए उनका ये फास्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वो ये फास्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। दीज बिल्डिंग्स डोंट हैव एनी एमिशंस, दे डोंट टेक एनी एनर्जी। इन फ्यूचर आई होप दैट ऑल बिल्डिंग्स विल बी बिल्ट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव, जीरो एनर्जी एंड कार्बन न्यूट्रल। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू लिव हैप्पीली बट इन हार्मनी विद नेचर, सम अजीब। आई कॉल दिस रिजेनरेटिव लाइफस्टाइल। और वांगचुक बस लद्दाख के लिए नहीं, ही इज अ ट्रू नेशनलिस्ट। उन्होंने हमेशा हमारे देश के बेनिफिट में ही कदम रखे हैं। जब 2019 में आर्टिकल 370 बॉलिश किया गया, तब उन्होंने बढ़ चढ़ के बीजेपी की प्रशंसा करी। बीजेपी ने उस वक्त प्रॉमिस किया था कि वो जब पावर में आएंगे तो वो लद्दाख को आर्टिकल 244 में दिए गए छठे शेड्यूल का स्टेटस देंगे, जिसके हिसाब से ट्राइबल एरियाज को अपने खुद के ADCs, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाने की परमिशन मिल जाएगी, जिससे ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल पीपल खुद के डिसीजंस ले पाएंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को छठवें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था, और फिर 2020 में जब लद्दाख यूटी बन चुका था और यहाँ का जो पर्वतीय काउंसिल है, हिल काउंसिल, उसके चुनाव हो रहे थे, तब फिर ये वादा दोहराया गया था। उस समय तो फिर इस मांग को पहला सूची में पहला बिंदु रखा गया था, लद्दाख को हम संरक्षण देंगे छठवें शेड्यूल में। तो एक तरह से आपने एक चेक लिख के दिया हमें, उस समय चेक पे लिखा था छठवां शेड्यूल मैं धारक को देने की प्रतिज्ञा करता हूं। मगर अफसोस, उसके बाद के महीनों और सालों में जब हम इस चेक को लेकर कैश करने गए तो इस पे
ठप्पा लगता है कि ये चेक बाउंस हो गया, इस चेक में से आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि 97% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल। अब आते हैं उनके फास्ट पे। उन्होंने फास्ट में बस दो मांगे रखी हैं जो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था। जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था इलेक्शंस के टाइम पे 2019 में, तो उन्होंने बोला था कि वो लद्दाख में 6 शेड्यूल को इंप्लीमेंट करेंगे। और यही मांग है वांगचुक की। वांगचुक बस यही चाहते हैं, कुछ नया नहीं चाहते। वो हमेशा से जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं आज भी उसी चीज के लिए काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं फ्रेजाइल इकोलॉजी है लद्दाख रीजन की, उसको प्रिजर्व करा जाए, उसको प्रोटेक्ट करा जाए। और वो तब नहीं होगा अगर वहां इंडस्ट्रियल लॉबी आ जाएंगी। वो बोलते हैं कि लद्दाख के लोगों को सिंपल रहना पसंद है। उनका कहना है कि बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज में हम लोग कहीं ना कहीं एडिक्ट हो गए हैं ऑफ रिसोर्सेज, ब्लाइंड कंज्यूमरिज्म, जो कि उनको नहीं चाहिए, उनके लोगों को नहीं चाहिए। वो सिंपल लिविंग में विश्वास करते हैं। जहां गवर्नमेंट को ये दिखाना है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट कर रही है इस रीजन में, वहीं लद्दाख के लोगों को अपना क्लाइमेट, अपना एनवायरमेंट और अपनी इकोलॉजी प्यारी है। पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के दबाव में बीजेपी अब बैक ट्रैक कर रही है अपने प्रॉमिस से जो उन्होंने इलेक्शंस के टाइम पे किया था, टू ग्रैंड लद्दाख द 6 शेड्यूल स्टेटस। वो कहते हैं कि वो तो बस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कहीं ना कहीं आर्टिकल 244 में ये अमेंडमेंट हो सकती है। और वही प्रॉमिस था बीजेपी का, पर वो बैक ट्रैक कर रहे हैं बिकॉज़ वो कह रहे हैं हमने तो वो सब कुछ कर दिया है। जो हाई पावर्ड कमेटी बैठी जनवरी में, उन्होंने बोला कि सारे प्रोविजंस उस डेवलपमेंट के लिए वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको इस 6 शेड्यूल स्टेटस की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 370 के बाद लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल कर रही है एक गवर्नर के द्वारा। पर सोनम वांगचुक, वहां के कल्चरल लीडर्स का ये कहना है कि वो नहीं समझते टेरेन को, वो लद्दाख रीजन को नहीं समझते, उसके क्लाइमेट को नहीं समझते, और इसलिए वो गलतियां कर रहे हैं। गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कहीं बाहर से आते हैं और कुछ ही साल रह के चले जाते हैं, समस्या ये नहीं है कि वो बाहर से आते हैं, समस्या ये है कि लद्दाख जैसे पर्यावरण को कोई समझ नहीं पाता है जिसने लद्दाख देखा भी ना हो, और उनके 3 साल तो इसे समझने में लग जाते हैं और फिर बाकी वापस जाने में, और ऐसे में ऐसे गलतियां कर बैठते हैं या बैठेंगे जिसका नतीजा यहाँ के जनजातीय जनता को सदियों तक भुगतना पड़ेगा। जिस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ आ रहे हैं, जिन लैंड्स पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ग्लेशियर्स ऑलरेडी मेल्ट हो रहे हैं, और ये जो रीजन है ना कहीं 2 बिलियन पॉपुलेशन इंडायरेक्टली डायरेक्टली सर्व करता है उनको, और वो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, यहाँ के रीजनल और लोकल पेड़, पक्षी, जानवर शायद खत्म ना हो जाए इन गलतियों के द्वारा। सूरज की, लद्दाख में सूरज बहुत है, हम चाहते हैं कि लद्दाख काम आए भारत के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, मगर वो भी यहाँ के लोगों के फायदे और नुकसान को देखे बिना अंधाधुंध किए जा रहे हैं। 13 गीगावाट का प्रोजेक्ट घोषणा हुई है और इसमें कितने चरवाहों के चरागे जा रहे हैं आपको अंदाजा है। अगर यहाँ के लोगों पे छोड़ते आप, अगर 6 शेड्यूल के अनुसार चांगपा समुदाय के लोगों पे छोड़ते, तो वो सदा के रीति की तरह शायद पहाड़ों पे वो सोलर पैनल्स को लगाते, या ऐसे और मैदानों पे जहाँ चरागे नहीं हैं जैसे सिरचू, वहाँ कम से कम नुकसान होगा, मगर वहाँ ना लगा के अभी ये पांग में लगा रहे हैं जहाँ पर सबसे अच्छे चरागे कुर्बान हो जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ 6 शेड्यूल स्टेटस इंप्लीमेंट हो और उनके खुद के ADCs बने जहाँ ट्राइबल लोग डिसाइड करें कि वो लैंड कब, किस लिए और किसको एलोकेट होना चाहिए, जिससे उनकी जॉब्स भी सुरक्षित रहे, वो लैंड भी सुरक्षित रहे, वो क्लाइमेट भी सुरक्षित रहे, बायोडाइवर्सिटी सुरक्षित रहे और लद्दाख सेफ रहे। देखिए मेरी ओपिनियन सिंपल है, यहाँ गवर्नमेंट के प्रेशर्स होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के, पर मुझे लगता है यहाँ हमें इस रीजन को लीड बाय एग्जांपल करना चाहिए। हर जगह अपना टाइट कंट्रोल नहीं चाहिए, जेएनके के जैसे यहाँ इतना रेस्ट नहीं है, यहाँ तो लोग बड़े काम और बड़ी संतुष्टि के साथ रहते हैं, जिससे हमें सीखने जरूरत है, इस सिंपल लिविंग की जरूरत है। हर जगह ट्रैवल एंड टूरिज्म और इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन माउंटेन्स की ब्यूटी, इस एरिया और इस रीजन की ब्यूटी सिंपल लिविंग में ही है, और इस हेरिटेज को हमें बर्बाद होने नहीं देना चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूं हम लोग सपोर्ट करें, मेरी ओपिनियन सिंपल है, जो प्रॉमिस है वो बीजेपी को पूरा करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए, क्लाइमेट फास्ट को सपोर्ट करना चाहिए, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं हम लोग ये हैशटैग ट्रेंड करें और जुड़ जाएं सोनम वांगचुक के साथ। मेरी पीपल कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सपोर्ट करें इस इनिशिएटिव को, बिकॉज लद्दाख को, सोनम वांगचुक को और वहां रहने वाले सारे लोगों को आज आपकी, मेरी और भारत की बहुत जरूरत है। सोनम वांगचुक के शब्दों में, जो चेक लद्दाख के लिए काटा था गवर्नमेंट ने, उसको बाउंस मत होने दीजिए। भगवान श्री राम की रामायण में जैसा कहा गया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए
पर वचन ना जाए, तो अपना वचन निभाएं बीजेपी के सारे मिनिस्टर्स। और होम मिनिस्ट्री से मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज को ढंग से एड्रेस तो किया जाए। सोनम वांगचुक 10 दिन से फास्ट पे हैं, विच इज वेरी पीसफुल, ही डिजर्व्स टू बी हर्ड। और इसलिए गाइस सेव लद्दाख और सपोर्ट वांगचुक के ट्रेंड में जरूर शामिल हो, बिकॉज लद्दाख को आपकी और मेरी सख्त जरूरत है। गाइस ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो से प्रभावित हुए हो और आपको मेरे काम में वैल्यू दिखती है, तो आप थैंक्स का बटन यूज करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो बस ये वीडियो शेयर करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। गाइस मैं ऐसे ही एक सोशल अवेयरनेस वीडियो में कल फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पीपो, और अब कुछ नहीं छुपेगा।